नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और ये वीडियो दोस्तों 1138वें दिन का है। और मैं बहुत ही सरलता के साथ आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप इंग्लिश पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो देखिए कुछ नहीं करना है। कुछ जरूरी बातें हैं उनको अगर आप समझ जाते हैं तो आप बहुत जल्दी में इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। सबसे बेसिक यही होता है। दूसरी बात, वर्ड्स आपको मिलेंगे, एक टेक्स्ट होगा इस वीडियो में, और कुछ बेसिक बातें होंगी जो कि आपके समझ में है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में जो है आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं वो क्यों गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि देखिए बेसिक बात के रूप में आपको मैं यही बताऊंगा कि ABCD आप सही से अच्छे से पढ़ना सीखिए। अब सही से अच्छे से क्या होता है, देखिए A to Z 26 लेटर होते हैं ना, A से Z तक 26 लेटर होते हैं। इसमें से AEIOU नीचे नहीं लिखा हुआ है, इन सबको जो है वॉवेल कहते हैं। ठीक है, AUIU को, और जो बचता है इनको A से Z में इनको निकाल कर पांच, उसे कॉन्सोनेंट बोला जाता है। ये बात समझिए। अभी कॉन्सोनेंट को आपको पढ़ने आता है, मुझे नहीं पता बताना है कि इसको क्या पढ़ना है, लेकिन आप अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इस तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप ऐसे पढ़िए, जी हाँ ऐसे पढ़िए, यानी B को ब, C को क श, D को ड द ज, F को फ, G को ग ज जी, H को ह, J को क, K को क, L को ल, M को म, इनको नाड़ा, पी को प, क्यू को क्यू और क्यू को क भी, आर को र, आर को ड भी, इसको स ज, टी को ट था, और च स। च स कैसे होता है इसका भी देख लीजिए, यहाँ से च स होता है लेकिन आप नहीं समझ रहे। इसे आप लिखते हैं वर्ड एक्शन। ठीक है, एक्शन तो ये TI जो है ये TI स के रूप में उच्चारण हुआ। ठीक है, आप लिखते हैं नेचर। ठीक है, नेचर तो यहाँ पर जो TU है वो च के रूप में उच्चारित हुआ, नेचर में च, तो च श दोनों आ गया है ना। वी को व, डब्ल्यू से भी व होता है, एक्स को एक्स बोलते हैं, कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता है तब भी एक्स को एक्स या एक्स दोनों तरह से उच्चारण करेंगे। वाई को या, और वाई को बड़ी की मात्रा के रूप में भी दोहराते हैं, जैसे ओनली लिखते हैं ओनली ओनली, तो वाई यानी ई उच्चारण होता है। जेड को ज, CI से स होता है, CE से स होता है, क के लिए CH है, CK है, और क्यू है, QUE है, इससे अब इसे वर्ड है इसे मिल जाता है, जैसे कैरेक्टर में, लक में, क्वेश्चन, क्वीन क्वीन में, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब देखिए चलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वॉवेल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसका मतलब समझ रखना है। तो समझ क्या रखना है दोस्तों, और वॉवेल है पाँच, एक बात ये रखना है। दूसरी बात, हर वॉवेल का अलग अलग उच्चारण, जैसे ए का उच्चारण 4 तरह से, ई का उच्चारण 5 तरह से, आई का उच्चारण 5 तरह से, ओ यू का उच्चारण जो है 4 4 तरह से होता है, इसका डबल ओ का उच्चारण 5 तरह से। ये आपका मतलब अध्ययन मैंने दिमाग में रखना है। और सभी में एक चीज़ कॉमन समान बात है दोस्तों कि वो यहाँ देखिए कि ओ ओ ओ यू डबल ओ में जो है वो एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसे हैं, ये एक समानता है। ई आई में जो है यहाँ तक जो है समानता है, ठीक है, एक जैसे, और ए आ तो सभी में है ही, तो ये भी एक समानता ही है जो नीचे से मिलता हुआ। अब देखिए यहाँ तक बात करते हैं, ए को अ आ ए आई बोलते हैं, 4 तरह से बोलते हैं। अगर वर्ड मीनिंग कभी कभी हमेशा क्या होता है कि जो एक्चुअल उच्चारण, जैसे ए को ये क्या लिखा हुआ, तो आप कहेंगे ए लिखा हुआ, तो यहाँ पर ए उच्चारण हो रहा है, एक वर्ड है उच्चारण का, ये क्या है ई है, तो एक उच्चारण यहाँ पर ई ई है, चाहे भले ही आप जैसे भी बोले। आई का एक उच्चारण क्या है, तो यहाँ पर आई एक उच्चारण है, आई तो पढ़ेंगे। ओ को एक बार ओ तो पढ़ेंगे ही, एक बार पढ़ेंगे। यू को एक बार यू तो पढ़ेंगे ही, और वो एक बार वो तो पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा नहीं पढ़ सकते हैं, हमेशा पढ़ेंगे तो गलत होगा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं दे दूँ कि देखिए OVEN, अब तो पढ़ देंगे ओवन ओवन, कुछ लोग ओवन बोलते हैं, कुछ लोग अवन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उच्चारण करने का तरीका है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सही क्या है। तो दोस्तों इसे जो है अवन ही करेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अब भाई अधिकार में है ओवन भी बोल देंगे तो इंडिया में तो चलेगा, लेकिन अमेरिका में जाइएगा वहाँ ओवन बोलिएगा तो कहेगा थोड़ा तो सा लगता है कि उसको बोलने नहीं आ रहा, वो लोग अपने समझ में रखेंगे कि नहीं बोलने आ रहा, तो इस बात को समझना है, करेक्ट बोलना है। तो खैर हम लोग को अमेरिका और या विदेश में बहुत ही कम जाना, लेकिन हाँ हमारे कुछ व्यूअर जो कि वहाँ है। अब एक और उदाहरण मैं दे दूँ यहाँ पर विटामिन्स का, देखिए अब जैसे मैंने बोला आपको विटामिन, ठीक है, विटामिन्स विटामिन कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं, और देखिए कुछ लोग जो है विटमिन्स बोलते हैं, विटमिन्स। अब देखिए यहाँ समझिए क्या अंतर है, विटमिन्स, ठीक है, कुछ लोग जो है इसे ही
इसे विटामिन बोलेंगे, विटामिन, विटामिन ऐसा लगा लीजिए, यहाँ पर एस लगा देते हैं, विटामिन, क्योंकि कई होते हैं ना, कुछ लोग जो इसे वाइटमिन बोलते हैं, वाइटमिन, वाई ड मिन, वाइटमिन। दोस्तों कौन सही होगा, ये सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। दोस्तों मैं बोलूंगा कि ये गलत है, ये गलत है, ये सही, वाइटमिन। अब टी को अंग्रेज लोग ड के रूप में उच्चारण करते हैं, ड के रूप में, वाइटमिन, वाइटमिन, ठीक है, एक्चुअल उच्चारण क्या करते हैं, वाइटमिन। तो हो सकता है कि अब भाई उनका एक्सेंट है, एक्सेंट में बदल गया, वाइटमिन, वाइटमिन, लेकिन हम लोग खुद कहेंगे कि नहीं भाई, एक रूल के अनुसार बाय बाय बोलेंगे जरूर, क्योंकि आई का उच्चारण आई कर सकते हैं हम लोग, आई कर सकते हैं, वाइटामिन, 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 लेकिन वाइटामिन तो ना अजीब लग रहा है ना, अजीब, लेकिन करेक्ट यही है, वाइटामिन। चलिए सर्च करते हैं, आप देख सकते हैं कि भाई क्या सही है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझिए हमारे भॉवल्स को कैसे कैसे बोलते हैं, यहाँ से भी समझ हम लोग आ रहा है। तो इंडिया में है विटामिन, 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 लोग मैंने भी देखा एक, मैंने बोला विटामिन, तो विटामिन नहीं विटामिन, तो मैंने कहा कह रहा भाई एक्चुअल जो है वाइटामिन होता है, लेकिन अब यहाँ वाइटामिन अब अगर बोल देते हैं तो लोग आपको कहेंगे कि अरे ये लड़का को जानता भी नहीं, कुछ नहीं आता है, ऐसा सोचेंगे, आपको बोलेंगे भी नहीं, लेकिन आप तो सही होंगे ना, आप सही होंगे, लेकिन अब क्या है कि बचपन से जो बोलते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, उसमें बदलाव करना थोड़ी सी मुश्किल है, बार बार जब तक उच्चारण नहीं करेंगे नहीं बोलेंगे। जैसे एक वर्ड है, यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या लिखा, आपको पता ही होगा, नहीं तो क्या लिखा, शॉर्टकट। अब लोग इसे क्या पढ़ते पता है, शॉर्ट कोट, शॉर्ट कोट, मैंने सुना है अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ा, शॉर्ट कोट। तो ये कोट जो आ जाता है, सी ओ टी कोट, वो बचपन से आ रहा है, अब इसे बदलना मुश्किल है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इन सबसे तो खैर बचना ही है, क्योंकि हमारे बचपन की भाषा है, पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग इसमें बदलाव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे अब यहाँ समझ लीजिए कि मेडल में ए को आ बोलते हैं, अ है, मॉल में ए को आ बोलते हैं, आ है ना, मेड में ए को ए बोलते हैं, ए है, मैन में ए को ए बोलते हैं, ए भी है, उसके मार्बल में ई को आ बोलते हैं, मार्बल, पेन में ई को, पेन में ई को ए बोलते हैं, वो भी है, पीस में ई को ई बोलते हैं, पी सी ई जो है वो आखिर में, उस सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में है, उसके पिन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, सम में ओ को अ पढ़ते हैं सम, अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, रूम में ओ को ऊ पढ़ते हैं, और टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं, ब्यूटी बट में यू को अ पढ़ते हैं, बट, अ, फुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, और म्यूट में यू को ई यू पढ़ते हैं, ई यू, म्यूट है ना, म्यूट। उसी तरह की फ्लड, एफ एल डब्ल्यू डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में, रू में डबल ओ का उच्चारण बड़ी एक्चुअली ऊ के रूप में होता है, उसके फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में होता है, फ्लोर, फ्लोर। तो ये है, आप इसको अच्छे से याद करके समझ रखें तो जाहिर सी बात अच्छी बात है, और सभी तभी आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब देखिए इसके बाद भी दिक्कत हो रही, तो शॉर्टकट एक तरीका है मेरे पास, वो पार्ट्स ऑफ वर्ड का, ये एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी, यानी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ब्रह्मास्त्र के ही समान हो जाएगा। जैसे इसको देखिए आराम से, और ये जो है बार बार रिपीट होने वाले वैसे कुछ वर्ड्स हैं, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं। जैसे एक वर्ड मैंने यहाँ लिया है कम प्री एंड सिप, आई मीन सबको पार्ट दिखाता हूँ मैं, सिप देखिए, कम देखिए, और उसके बाद यहाँ पर अगर एन है तो एच लगा देते हो तो हेन, जैसे यहाँ पर मेन सेन टेन, उसी तरह अगर हेन कर दे तो हेन भी पार्टी हो गया। दूसरा दिखाते हैं प्री, अब प्री देखिए, यहाँ पर देखिए ये प्री देखिए, प्री प्री देखिए, चारों पार्ट मिल गया आपको, है ना। तो इन सबको क्या कीजिए, आप याद कीजिए, एक ही वर्ड में बहुत सारे पार्ट्स जो हैं आपको रिपीटेड होंगे, और रिपीट होते होते आपको समझ में आने लगेगा कि क्या कुछ कैसे कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए अब थर्ड स्लाइड देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके जो बगल में एग्जांपल्स दिए, उसको एग्जांपल्स को आप एक बार दोहरा लीजिए अगर नहीं पढ़ने आ रहा, तो जो पाठ है कम से कम उतना ही पढ़िए, जो पाठ है उतना उच्चारण करिए, और समझिए कि भाई ये उच्चारण क्यों करना जरूरी है,
जब करेंगे तो खुद ब खुद समझ में आने लगे कैसे पढ़ा जाता है। तो 64 पार्ट्स, जी हाँ दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए। जी हाँ, तो आपको समझ लीजिए कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या कैसे कुछ करना है, समझ बूझ कर आप पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, जी हाँ बहुत प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी इंग्लिश पढ़ने में। धारा प्रवाह पढ़ना है तो यही उपाय है। उसके बाद दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते तो हमने चैनल इंग्लिश यूट्यूब सभी गूगल पर टाइप के सारे वीडियो क्लिक मिलते। अगर आप रीडिंग करना सीखना है या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन सब कुछ सीख सकते हैं बीच इजी स्टेप ना, तो ग्रामर्स देखिए, ग्रामर से बुक लेने की जरूरत नहीं है ना, मोटर डिक्शनरी खरीदना है, वो सब चीज़ अवेलेबल है। मेरे शॉर्ट्स वाला वीडियो देखिए, अभी जो है बहुत सारे वीडियो मैंने शॉर्ट्स के दिए हैं, जिससे आप रोज 10-20 वर्ड्स देख कर, जो नहीं आया उसको नहीं, जो आता है उसको तो आता ही, जो नहीं आया उसको याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंग्लिश अगर जब पढ़े लिखे या आप बोले इंग्लिश के वर्ड्स तो आपको लगेगा, चाहे कोई भाषा हो, मान लीजिए आपने जापनी सीखना हो, स्पेनिश सीखना हो, तो वहाँ के वर्ड सीखने होंगे, वो लोग क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं, वैसे ही तो आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं हम लोग। अब चलिए, जो वर्ड्स हैं चार है डबल वर्ड जो कि वो शुरू हो रहे हैं। पहला वर्ड है हॉकी, हॉकी। दूसरा ओचे, ठीक है। तीसरा ओकरा। नेक्स्ट है, कभी कभी इसी को ही ओके भी पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ड्स में ये देखिए पार्ट्स है, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि बार बार आपसे रिपीट होंगे, कुछ वर्ड्स के रूप में भी हो जाएंगे। जैसे ऑक्टा, ऑक्टर, ऑक्टर, ठीक है। ओडर। नेक्स्ट है ओडल। नेक्स्ट देखिए ओडस। उसके बाद है ऑट्स। नेक्स्ट है ओडिया। नेक्स्ट देखिए ऑर्डर, ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए ऑडेस। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ऑब्ड, ऑब्ड, ओबेस, ऑप्स, ओबे, ओबे का ओबिया। नेक्स्ट है ओबिस, ओबिस, ओबिट, ओबिट के बाद है ओबोए, ओबोल, ओबोल के बाद देखिए यहाँ पर है ओबॉन, ओबॉन के बाद है ओ बॉस, ओ बॉस के बाद जो है यहाँ दोस्तों ओबी, और ओबी के बाद है ओकश, ओकश। नेक्स्ट देखिए आउट, ये तीन लेटर वर्ड है, आउट है ना वर्ड, ओवा। नेक्स्ट ऑब्ड, नेक्स्ट ओवे, नेक्स्ट आउल। इसके बाद देखिए ऑन, ऑन बोलते ऑन, ऑफ्ट, ऑक्सी, ऑक्सो, ऑक्सी रिपीटेड है, और लेकिन वर्ड्स में स्पेलिंग में अंतर है ओए, और ये है ओएस, ओएस। नेक्स्ट ऑजस, ठीक है, ओप्स, ओएप्स, ओएक्स, ओएक्स, ओकी, ओके की, ओकी, ओएकी, ओएकी, ओएस, ओएरी, ओस्ट, ओथ, ओथ है ना, ओट्स, ओथ, ओट्स, और ओएटी, ओबैन, ओ बैन, और ओबस, ऑप्स। तो दोस्तों ये वर्ड्स है, आप अच्छे देखिए। और नेक्स्ट जो है ओडिया, ओडिया, ऑडिक, ऑडिक के बाद ओडीन, उसके बाद है ओडोर, ओडोस, ओट्सो, ओट्सो के बाद है ऑडिल, ऑडिल के बाद देखिए ओफे, ओफे के बाद है ओफा, ओफा के बाद है ऑप्स, और नेक्स्ट जो है ओगम, ओगम के बाद ओगी, ओगी के बाद है ओगी, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए ऑनर्स, ऑनर के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद देखिए ओइसे, ओइसे के बाद ओइटा, ओइटा के बाद है ओकस। नेक्स्ट जो है ओके, ओके के बाद है ओके, उसके बाद है तो ओकर। नेक्स्ट जो है वर्ड ओकेस, नेक्स्ट जो है ओके। देखिए सभी में ओके ई तो है ही, आप देख रहे हैं कॉमन समानता ये है कि सभी में ओ ई है, यहाँ वाई जो है आई के रूप में बदल गया, तो भी ओकी पढ़ेंगे, ओकी, ओके, ओकी, ओकरा,
नेक्स्ट है ओला, ओला तो जानते हैं ओला, ओला गाड़ी बुक करते हैं ना, ओला वही ओला है। ओम्स, ओम्स ला नहीं उच्चार करेंगे ओम्स। ओलोफ, ओलोफ ऑल पे ओजा, ओमैक बोलिए एक बार हमारे साथ उच्चारण करिए, ओमैक ओमान बोलते हैं ना, ओमान एक कंट्री है। ओमर, ओमर ओम्बू और ओम्बुट्स इसी तरह बनता है, डी एस लग देंगे ओम्बुट्स होगा। ओमैन, ओमैन ओम और ये है ओ एम एफ, ओम्फ ओक्टा, ओले ओल्डे, ओल्डे ओल्ड्स, ओल्ड ओल्डी और ओली, ओली के बाद है ओले। नेक्स्ट है ओलियो और ओलेस। नेक्स्ट जो है सो ऑलिड, ऑलिड के बाद है ऑलिन, ऑलिन हो गया और ये है ओलियो। तो दोस्तों ये है वर्ड्स जो कि आपने देखे और समझे कैसे इसको, समझिए रोज ये बीच में भी आ सकते हैं, अंत में भी आ सकता है, शुरू हो सकता है, कुछ ऐसे वर्ड जो कि फिक्स हो जाए, जैसे कि ओल्ड क्या है, ओले क्या है वर्ड है, ओल्ड क्या है वर्ड है, इसमें कुछ जुड़ेगा वगैरह नहीं, लेकिन गाँव बहुत सारा, जैसे यहाँ अगर पी कर देते तो क्या होता है, पी लगा देते तो पोलियो नहीं रहता क्या, पोलियो वर्ड देखिए बनेगा बहुत ईजी से बनेगा, यहाँ पर डी एस लगा देते हैं तो नहीं बन जाएगा ओम्बुड्स। तो बनाइए सीखिए पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। चलिए अब देखिए ओनली, जैसे ओनली ओनली वन है, वनली वनली पढ़ेंगे, वनली वनली ओनली नहीं वनली। ओप्स नेक्स्ट जो है सो ये है उफी, नेक्स्ट जो की वर्ड है ओश, नेक्स्ट है ओइड विड, नेक्स्ट है ओम्स ओम्स ओंस 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 या अगर यहाँ पर लिख देंगे एस तो क्या होगा, सुन नहीं होगा, सुन एस लगे सुन्स हो गया सिंपल। उंट नेक्स्ट जो है उह, नेक्स्ट देखिए उफ 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 उप्स, नेक्स्ट देखिए यहाँ है यहाँ ऊज, यहाँ अगर कर दें क्या कर दीजिएगा सी एच कर दीजिए चूज, तो चूज नहीं हो जाएगा क्या, वर्ड देखिए वैसा ही वर्ड है ओइंग, तो ओस्ट, नेक्स्ट जो है तो उजी उसी फूड्स, नेक्स्ट है जैसे एफ कर दिया फूड्स हो जाएगा फूड्स फूड्स, ऊज है ना ऊज उजी, नेक्स्ट है उजी के बाद है उपस उप, नेक्स्ट है उपल, नेक्स्ट देखिए ओपल ओपेक एक शॉर्ट फॉर्म है ओपेक तेल इसका ये भी नाम है ओपेक कंट्री जो तेल वाला जो कंट्री है ऑयल ऑयल पेट्रोलियम इस तरह से वर्ड है ओपेड ओपेड, नेक्स्ट है ओपेन, नेक्स्ट देखिए ये है ओपर, उसके बाद देखिए ओपेस, नेक्स्ट है ओपेक्स, नेक्स्ट ओपिया, नेक्स्ट ओपी, नेक्स्ट ओप्पो बोलते हैं ओप्पो मोबाइल, ये वर्ड देखिए आ गया ना ओप्पो ये फिक्स वर्ड है। ओपस नेक्स्ट है ओरैड ओरल ओरैन, नेक्स्ट है ओप्स, नेक्स्ट और भी, नेक्स्ट देखिए ओर का है ना, ये देखिए ओमो ओमोव, नेक्स्ट है ओमस्क, नेक्स्ट ओम्यूल, नेक्स्ट ओनम, नेक्स्ट वंस ऑनडे है ना ऑनडे ओनम वंस ओंगे ओनिया, ठीक है जैसे ऐसे लगा देंगे तो सोनिया नहीं हो जाएगा हो गया ओनी ऑनिस। दोस्तों ये तो था, अब इस पे आइए, ये जो हमारा टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को देखिए और इस टेक्स्ट में मान लीजिए तब पढ़ने नहीं आता तो आप इस टेक्स्ट को थ्रू आप ये समझ में आएंगे भाई पढ़ना कैसे है, आसान से पढ़ना लोग सीख जाएंगे और बहुत जल्दी में बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए इन सबको देखते हैं और अच्छे से पढ़ना सीखते हैं कि भाई कैसे कैसे पढ़ा जाता है, जिनको नहीं आता बिल्कुल नहीं आता वो हमारे वीडियो में सीधा फॉरवर्ड करके सीधा यहाँ तक पहुँचे या सीधा अपना नीचे से स्क्रॉल करके चले जाएँ और सीधा इस यहाँ पर आइए। अगर पढ़ना सीखना है तो रोज़ पढ़ना सीखना है तो इस तरह का टेक्स्ट आपको देखना होगा कि भाई कैसे मैं पढ़ता हूँ, अगर आप भी पढ़ना सीख जाएंगे ईजी है इजी तरह से पढ़ेंगे हमारे तरह से पढ़ना सीखिए और कुछ समझिए इसमें कुछ मैंने गलतियाँ की हैं कुछ समझिए यहाँ पर, मैं जब पढ़ूँगा दो तीन लाइन तो उसमें आपको पकड़ बनाना होगा कि ऊपर के वर्ड्स को देखना होगा भाई ऊपर ये पढ़ा गया नीचे ये पढ़ा गया कहाँ पर पढ़ा गया, बस एक दो है
मैंने जान चुकी है, अब उससे आप हालांकि तभी तो समझ में आएगा कि आप कितने ध्यान से देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं, आप देखते जाइएगा दो तीन लाइन बाद कि क्या कुछ होता है आपका सर। दोस्तों व्हाट, अब देखिए व्हाट में एक साइलेंट होता है, हमेशा याद रखिए एक साइलेंट होता है। व्हाट, व्हाट डज, ये इसको ज बोलते हैं, तो यहाँ पर ज होगा डज। दिस टेबल, ए वी लिख केबल बोलते हैं, ये पार्ट है हमारा टेबल। सो ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, ओ यू बोलते हैं, यहाँ पर ओ चालू हुआ। अगर एन रहता है एन ओ डब्ल्यू तब आओ चालू होता है, लेकिन ओ डब्ल्यू ऐसा चेक के साथ है तो ओ हो गया। सो एल रहता तो लो है ना, लेकिन एच रहता सिर्फ एच रहता है, एस हटा जाता तो हाउ तब आओ होता है। देखिए दो तरह से उच्चारण हो रहा है। द फर्स्ट कॉलम, कॉलम एन जो है साइलेंट है, कॉलम मन नहीं पढ़ेंगे, कॉलम एन नहीं पढ़ना है। ऑफ द टेबल, एबल है टी लगा टेबल हो गया। सोज दैट इन केरला, देखिएगा केरला, केरला मतलब कि स्टेट है हमारा साउथ इंडिया में, मतलब इंडिया में है, साउथ इंडिया बोलने से भी कहा है, एक्शन बात कर जाता है। आउट ऑफ द 1000 चिल्ड्रेन, ई एन हो गया चिल्ड्रेन, ई एन से बहुत रबड़ बनता है, बॉर्न 12 डाइड बिफोर बिफोर कम कम्प्ली प्ली कम्प्लीटिंग कम्प्लीटिंग वन ईयर ऑफ एज बट इन हरियाणा, ये स्टेट है हमारा इंडिया का हरियाणा दिल्ली के आसपास। द प्रोपोर्शंस, देखिए सन भी पार्ट है, ऑफ चिल्ड्रेन डाइंग विद इन वन ईयर ऑफ बर्थ। दोस्तों एक गलती मैंने आपको पढ़ दिया है, आप देखिए कि कहाँ पर मैंने गलती पे पढ़ा है। उसके बाद देखिए बर्थ वॉज 36 विच इज टू, विच इज टू टाइम्स मोर देन दैट ऑफ केरला। वंस, तीन गलती अभी तक हो चुकी है। द वन द अदर हैंड द पर कैपिटा कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन दैट ऑफ केरला एज सोन इन टेबल 1.3। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, ये डिबेट बोलता है करें पेरेंट्स, थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज सो हैप्पी व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रेन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट, एक वादी है फिर एक वचन एक रूप होता है, सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे हाउ पेनफुल इट मस्ट यहाँ डबल रिपीट है, इट मस्ट बी टू दिस पेरेंट्स। नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच, दोस्तों मैंने पढ़ा आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़िए, कहाँ गलतियाँ हुई हैं आप इसे पॉज करके देखिए, ठीक है वीडियो को पॉज कीजिए और गलती ढूंढिए। अब दो सेकंड बाद मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, वीडियो अगर आपने पॉज किया है तो ठीक है। अब देखिए पॉज करने के बाद क्या इसका सही सही कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ क्या हैं उसको मैं बता रहा हूँ, इसको क्लीन कर लेते हैं तभी जो रेड वाला मार्क करते हैं उसको हटाते हैं तो समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहली गलती जो मैंने की वहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है जानबूझकर किया, कंप्लीटिंग, ठीक है कंप्लीटिंग, तो यहाँ पर एल ई एल यहाँ आता ई बाद में आता इस तरह से। उसके बाद देखिए जो मैंने गलती की यहाँ पर आपको यहाँ केरला केरल में यहाँ पर ए जुड़ता है टू दिन टी डब्ल्यू ओ टू होता है, सिंपल सिंपल मैंने गलती किया था। कैपिटा में देखिए आई यहाँ आ जाएगा और टी रहेगा यानी कि पी के बाद आई आएगा कैपिटा। दोस्तों ये गलती था, एक यहाँ गलती मैंने एस लगा दिया, थिंक होता थिंक ऑफ हाउ एवरी, तो ये कुछ बेसिक गलती था। और एक तो यहाँ पर डबल रिटी हो गया तो मैंने यहाँ बताया आपको, तो चार गलती था, सिंपल गलती मैंने डाला है इसमें कि भाई आपको पकड़ना है पकड़िए। तो देखिए केरला से तो आप पकड़ सकते थे ना कि यहाँ पर केरला पढ़ा गया, तो यहाँ पर क्या कितने लोगों ने पढ़ाया है बताइए कि हाँ मैंने किया है, लिखिए आप डन कमेंट सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में यही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कुछ, और सारे ऑलर मतलब सारे नोटिफिकेशन को ऑन करके प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना उम्मीद से। दोस्तों तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो को ध्यान रखिए, धन्यवाद।